राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। धन, आज के समय में धन एक ऐसी चीज है जो सभी व्यक्तियों को जरूरत के हिसाब से जरूरत पड़ती है। लोग काफी प्रयत्न करते हैं लेकिन उनको उस धन को अर्जित करने में काफी दिक्कतें आती है। तो वो उनके दिमाग में ये हो जाता है कि मतलब हम धन अर्जित नहीं कर पाएंगे, हमारे क्या ऐसी दिक्कत है। कई बार बड़े बड़े उपायों की जगह अगर आप छोटे छोटे उपाय भी सरल रूप में करेंगे तो उससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन मेरा एक कहना जरूर है कि जो भी कार्य करें विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास करेंगे तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और राधा रानी में आस्था बनाए रखिए, राधा रानी आपको हर कार्य के अंदर सफलता दिलाएगी, ये हम मानते हैं। आप भी मानिए, आपको आपके हर कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे माता लक्ष्मी को खुश कर पाएं, कैसे माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करें। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है चंचल है, एक घर में कभी वास नहीं करती, इसलिए लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर रखने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय भी करने अनिवार्य है। पहले हम चर्चा करेंगे कि लक्ष्मी जी जो है हमारे घर में क्यों नहीं आती। सबसे पहला रीज़न है कि माताएँ जो है, घर की महिलाएँ, वो समय से नहीं उठती हैं, घर के अंदर समय से साफ सफाई नहीं होती, और घर का जो मेन द्वार है उसको हरदम साफ रखना जरूरी होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी आती है मेन द्वार से ही आएगी, अगर आप उसी को गंदा रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर घर की महिलाओं को स्नान आदि कर लेना चाहिए। सुबह सुबह पूजा पाठ घर के अंदर होनी जरूरी होती है। अगर जिस घर के अंदर महिलाएं ऐसा समय उठती है, सूर्योदय के बाद में उठती है, तो उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर के अंदर कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, किचन के अंदर कभी भी रात को जूठे बर्तन ना रखें, इससे भी माता लक्ष्मी जो है नाराज़ होती है। अगर घर के अंदर आप जूठे बर्तन रखेंगे तो माता लक्ष्मी आप पर रुष्ट हो जाएगी। घर में जूते चप्पल है उनको बिखेर के मत रखिए। छत के ऊपर कभी भी कपड़े सुखाने के लिए लोहे की तार कभी मत यूज़ कीजिए, उससे भी माता लक्ष्मी जो है आप पे नाराज़ होगी। घर के अंदर आप कपड़े अगर इधर उधर गिरा के रखेंगे और उनको कभी समेट के नहीं रखेंगे तो ये सबसे गलत चीज़ है, जिसके कारण माता लक्ष्मी आप पे रुष्ट रहेगी। आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेगी। जिस घर में सुबह सुबह बच्चे जब उठते हैं तो रोते हुए उठते हैं, और बच्चे जो माँ का अनादर करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनको अपशब्द बोलते हैं, उनके घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चों को संस्कार दीजिए, ताकि आपके घर के अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी आए। अब हम चर्चा करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी कैसे वास करेगी। तो इसके लिए सबसे पहला एक उपाय है, रविवार को नई झाड़ू से अपने घर के अंदर झाड़ू निकाला कीजिए। अगर अच्छा होगा अगर आप दुकान से उसी समय नई झाड़ू लाकर और रविवार को उसी झाड़ू से जो है घर के अंदर साफ सफाई करें, पुरानी झाड़ू से ना किया कीजिए। रविवार के अलावा बाकी दिन माता तुलसी की सुबह सुबह पूजा करें। संध्या के समय महिलाएं तुलसी जी के पास में घी का दीपक जरूर करें। एक सबसे अनिवार्य चीज कि कभी भी तुलसी माता की पूजा महिलाएं खुले बालों से ना करें। काफ़ी महिलाओं को ये आदत होती है कि सुबह स्नान आदि कर कर झड़ते बालों के अंदर और खुले बालों में माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, ये सबसे गलत चीज़ है। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा जब भी करनी है 16 सिंगार अपना करके और बालों को बांध कर कीजिए, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा। राधे राधे।